दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप सब लोगों के साथ बात करने वाला हूँ यहाँ पे फार्मेसी फील्ड में किन लोगों की एंट्री होनी चाहिए। हम लोग अक्सर बोलते हैं कि इस फील्ड को स्कोप नहीं है, इस फील्ड को बहुत ज़्यादा स्कोप है। तो एग्जैक्टली ये स्कोप किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड होता है, अगर हमें फार्मेसी फील्ड को आगे ले जाना है तो किन लोगों की फार्मेसी फील्ड में एंट्री होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, फार्मेसी फील्ड के बारे में कुछ नई बातें आप सब लोगों के साथ मैं आज शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिए। दोस्तों जितने भी सारे लोग फार्मेसी फील्ड में आना चाहते हैं ना, उन लोगों को यहाँ पे इस दुनिया में बहुत कुछ सुनना पड़ता है। मैंने भी बहुत सुना था जब मैं फार्मेसी फील्ड में आने वाला था, क्योंकि इंडिया में जो फार्मेसी फील्ड की जो हालत है या फिर इंडिया में फार्मेसी फील्ड की जितनी भी सारी सिचुएशन है उसकी रियलिटी कुछ अलग ही है। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि इस फील्ड में जाओ यहाँ पे सैलरी मिलेगी, ये सब कुछ मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं एक बात भी हमें यहाँ पर नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए कि इंडिया में जितने भी सारे लोग फार्मेसी फील्ड में जाना चाहते हैं उनके आजू बाजू में जितना कुछ माहौल होता है फार्मेसी फील्ड के बारे में बहुत ही गलत होता है। इंडिया में अगर आप बोलोगे तो फार्मेसी फील्ड की सिर्फ इतनी वैल्यू लोग समझते हैं कि फार्मेसी फील्ड में आना है, उसके बाद डिग्री कंप्लीट करना है और मेडिकल शॉप डालना है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करते हैं, अगर वो नहीं करना है तो जॉब करना है। लेकिन उससे भी कई गुना आगे ये फार्मेसी फील्ड होती है, इसको पता भी नहीं होता। और उसी की वजह से यहाँ पे फार्मेसी फील्ड में आज की डेट में जो कुछ सिचुएशन है इंडिया में, वो शायद ही किसी और कंट्री में। अगर आप मैं किसी और कंट्री की इंडिया के साथ कंपैरिजन करूं तो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि यूएस में, जैसे कि मैंने आपको पहले बहुत सारे वीडियोस में बताया कि इंडिया में जितने कुछ सैलरी देते हैं उससे कई गुना ज़्यादा सैलरी यहाँ पे यूएस में फार्मेसी फील्ड में दी जाती है। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि वहाँ पर जो अवेयरनेस होती है लोगों के बीच में, या फिर वहाँ के जो लोग होती है फार्मेसी फील्ड में, जितने भी सारे लोग काम करना चाहते हैं या फिर फार्मेसी फील्ड में जितने भी सारे लोग आते हैं, वहाँ पर उनका जो बेसिक करिकुलम होता है वो टोटली फार्मडी के ऊपर बेस्ड होता है। इंडिया में अगर बात करोगे तो बेसिक करिकुलम जो होता है वो बी फार्मेसी होता है, और वहाँ पे 4 साल के करिकुलम के ऊपर इंडिया में फार्मेसी का लाइसेंस दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे यूएसए अगर मैं बात करूँ तो यूएसए में ऐसा नहीं होता। जब तक वो कैंडिडेट डॉक्टर की डिग्री कंप्लीट नहीं कर पाता तब तक उस कैंडिडेट को फार्मेसी फील्ड का कुछ भी लाइसेंस नहीं मिलता। यहाँ पे सबसे बड़ा फिल्टर इस वजह से लगता है कि जितने भी सारे लोग लॉयल होते हैं उस फील्ड के लिए वही लोग उस फील्ड में आ पाते हैं। इंडिया में क्या होता है कि अगर आप 2 साल का डिप्लोमा भी करोगे फिर भी आपको मेडिकल का लाइसेंस मिल जाता है। तो इस वजह से क्या होता है कि लोगों की टेंडेंसी ये होती है कि फार्मेसी फील्ड में जाना है, लाइसेंस लेना है और उसके बाद मेडिकल शॉप डालना है। लेकिन फाइनली जो डिस्टिनेशन होता है फार्मेसी फील्ड का, ये मेडिकल शॉप बिल्कुल भी नहीं होता। हाँ, मेडिकल शॉप एक ऑप्शन ज़रूर हो सकता है, लेकिन ये मेडिकल शॉप जो ऑप्शन होती है फुल टाइम ऑप्शन नहीं होता, ये आपका पार्ट टाइम ऑप्शन भी हो सकता है। बहुत सारे लोग इस फील्ड में आने के बाद मेडिकल शॉप डालते तो है, लेकिन मेडिकल शॉप उन्हें लगता है कि सिर्फ इकलौता मकसद होता है, और उसको देख के बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि मेडिकल शॉप डालेंगे फिर भी कुछ करेंगे, लेकिन मेडिकल शॉप के अलावा फार्मेसी फील्ड में करोड़ों कमाने का कुछ भी वेज नहीं है। लेकिन मैं आपको बहुत सारे वेज बताना चाहता हूँ आज की वीडियो में, जहाँ से आप कुछ अलग कर सकते हैं। और मैं बताना चाहता हूँ कि किन लोगों की एंट्री इस फील्ड में होनी चाहिए। सबसे पहली बात कि जो लोग फार्मेसी फील्ड के लिए लॉयर है या फिर फार्मेसी फील्ड के लिए कुछ करना चाहते हैं, इन्हीं लोगों की एंट्री फार्मेसी फील्ड में होनी चाहिए। जितने भी सारे लोग यहाँ पे फार्मेसी फील्ड में सिर्फ लाइसेंस के लिए आते हैं, इन लोगों को सिर्फ डिप्लोमा करके निकल जाना चाहिए, क्योंकि आने वाले दिनों में हो सकता है डिप्लोमा के लिए इंडिया में सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो। मैंने बहुत सारी जगह पर ये चीज़ सुनी भी है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि इंडिया में जितने भी सारे लोग फार्मेसी में डिप्लोमा करना चाहते हैं, इन लोगों की लाइसेंस के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पे परेशानी हो सकती है। क्योंकि मैंने बहुत सारे सीनियर लोगों से बात की तो वो लोग बोल रहे हैं कि आने वाले दिनों में इंडिया में डिप्लोमा में थोड़े से चेंजेस हो सकते हैं। हो सकता है इंडिया में जितने भी सारे लोग डिप्लोमा के कैंडिडेट्स होते हैं उनका लाइसेंस कैंसिल हो जाए, अगर ऐसा भी ना हो फिर भी इंडिया में डिप्लोमा कोर्सेज बंद हो जाए, क्योंकि इंडिया में हेल्थ केयर सेक्टर को अगर आगे ले जाना है तो उसके लिए फार्मेसी फील्ड में जितने भी सारे लोग होते हैं उनकी क्वांटिटी को कम करके क्वालिटी को बढ़ाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो इंडिया में बहुत सारे लोग फार्मेसी का लाइसेंस तो लेते हैं, लेकिन आज की डेट में भी इंडिया की फार्मेसी की जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। इंडिया में आज की डेट में भी फार्मेसी में लोग आना तो चाहते हैं लेकिन यहाँ पर सिर्फ मेडिकल शॉप डालना चाहते हैं। दूसरी बात आती है, मैं आपको और कुछ ऑप्शन बताने वाला था जहाँ से आप बहुत कुछ पैसे कमा सकते हो फार्मेसी फील्ड में आने के बाद। यहाँ पे सबसे बड़ा ऑप्शन होता है आपके पास दोस्तों ड्रग की कुछ ना कुछ लाइसेंस। यानी बहुत सारे लोग होते हैं जो डीलर होते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रिटेलर होते हैं। डीलर जो लोग होते हैं उनकी कुछ की एजेंसीज होती है, यानी फॉर एग्जांपल अगर कोई ड्रग है, फॉर एग्जांपल एस्पिरिन का कोई ड्रग है या फिर पैरासीटामोल का कोई ड्रग है, तो उस ड्रग की पूरी डीलरशिप हुई वो लेते हैं। उस डीलरशिप के अंदर बहुत सारे मेडिकल्स आते हैं, 100-200 मेडिकल शॉप्स आते हैं, और उस मेडिकल शॉप को अगर आपको ड्रग का पुरोटा करना है, फिर ड्रग आपको सप्लाई करना है, तो ऐसी केस में आपको पैसे कमाने के बहुत बड़े चांसेस होते हैं। दूसरी बात आती है दोस्तों थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग, जिसके बारे में मैंने आपको बहुत बार बोला है कि कोई अगर फार्मास्यूटिकल कंपनी है तो उस
उसका छोटा सा यूनिट का कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल जाएगा। उस कॉन्ट्रैक्ट की बेसिस के ऊपर आप खुद की फार्मास्यूटिकल कंपनी ओपन कर सकते हो, छोटा सा कुछ ना कुछ यूनिट ओपन कर सकते हो कुछ लोगों की हेल्प से, और इस वजह से भी आप अच्छे खासे पैसे कमा कर फार्मेसी फील्ड में आगे जा सकते हो। उस छोटे से यूनिट से आप बड़े में उसको तब्दील कर सकते हो कुछ सालों बाद, ये बहुत बड़ा वे है। तीसरी बात आती है दोस्तों यहाँ पे फार्मेसी में आने के बाद, ये होता है दोस्तों फार्मेसी के क्लासेस। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एकेडमिक्स में लेक्चरशिप करते हैं, लेकिन आज की डेट में भी फार्मेसी के क्लासेस जो होते हैं, यानी जिन लोगों को यहाँ पे फार्मेसी फील्ड में कुछ सब्जेक्ट टप जाते हैं या फिर जिन लोगों को यहाँ पे बैकलॉग लग जाता है, ऐसे लोगों को पढ़ाने के लिए आज की डेट में भी यहाँ पे फार्मेसी फील्ड में लोगों की बहुत ज़्यादा कमतरता है। तो ऐसी केस में आप प्राइवेट क्लासेस भी फार्मेसी फील्ड में आने के बाद ओपन कर सकते हो। आपने शायद सुना ही नहीं होगा कि फार्मेसी फील्ड में प्राइवेट क्लासेस है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा कम है। तो ऐसी केस में यहाँ पे भी आपके लिए बहुत अच्छा स्कोप है। अगर आप कुछ करना चाहते हो तो फार्मेसी फील्ड में आने के बाद यहाँ पे प्राइवेट क्लासेस भी आप ओपन कर सकते हो, जहाँ से भी अच्छे खासे वेज आपके लिए ओपन हो सकता है। और अगर और कुछ वेज की बात करूँ तो हो सकता है मैं आने वाले दिनों में आप सब लोगों के साथ शेयर करूँ, लेकिन मैं आपको बताना तो चाहता था कि जो लोग फार्मेसी फील्ड में सिर्फ लॉयल रहना चाहते हैं या फिर फार्मेसी फील्ड में कुछ करना चाहते हैं, दिल से कुछ करना चाहते हैं, इन्हीं लोगों की इंट्री सिर्फ फार्मेसी फील्ड में होनी चाहिए। अगर आप सिर्फ सोच रहे हो कि मुझे मेडिकल शॉप डालना है तो बिल्कुल भी फार्मेसी फील्ड में मत आओ, क्योंकि इस फील्ड में आने के बाद आप उस फील्ड का तो स्कोप ख़राब ही करते हो, लेकिन उसके साथ आपकी ज़िंदगी भी आप ख़राब कर रहे हो। क्योंकि अगर आप सिर्फ मेडिकल शॉप पर डालना चाहते हो तो आप डी फार्मेसी भी कर सकते हो। उस फील्ड के लिए आप किसी और एक कैंडिडेट का सीट मत बर्बाद करो, क्योंकि फार्मेसी फील्ड में लिमिटेड सीट्स ही होती है। तो यही बात मैं आप सब लोगों के साथ दिल से कहना चाहता था कि सिर्फ मेडिकल शॉप डालने के लिए कभी भी मत आना। स्कोप तो ख़राब ही होता है फार्मेसी फील्ड का, लेकिन उसके साथ नाम तो ख़राब होता है, आपका भी होता है, उस फील्ड के साथ आपके साथ उस फील्ड का भी नाम ख़राब होता है। ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आ गया है और अगर आपको लग रहा है चैनल में अच्छा कंटेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यहाँ पे 650 से ज़्यादा फार्मेसी के रिलेटेड वीडियोज़ मैंने इस चैनल के ऊपर बनाई हैं, तो इन वीडियो को ज़रूर एक बार देखना। ये था आज का वीडियो, धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।